दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल ढाबा और मैं हूं नवीन चंद मनोज। सारण जिला के क्रिकेटर न्याय की गुहार लेकर आज बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी के आवास पर पहुंचे। खिलाड़ियों को लंबे देर तक इंतजार करना पड़ा। जब मीडिया की टीम वहां पहुंची तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने खिलाड़ियों को मिलने के लिए बुलाया और उन्होंने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा। सारण जिला के क्रिकेटर वहां के जिला संघ के अध्यक्ष के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि सारण जिला में क्रिकेट की गतिविधियां सही तरीके से नहीं चलती, ना तो सही तरीके से लीग मैचेस होते हैं और ना चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाती है। उनका कहना था कि खिलाड़ियों को केवल खेलने से मतलब होता है, हमें राजनीति नहीं करनी है। हमें खेलने का बेहतर माहौल मिलेगा तो हम राजनीति क्यों करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों हेमेंट ट्रॉफी अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट के वेस्टर्न जोन के मुकाबले में सारण जिला के क्रिकेटरों ने सिवान के खिलाफ इन्हीं मुद्दों को लेकर खेलने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि सारण जिला के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह वीडियो बनाकर हम सबों से माफ़ी मांगे, तभी हम खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे। आगे सुनिए सारण जिला के क्रिकेटरों का क्या कहना है और अध्यक्ष से हुई वार्ता के बाद अध्यक्ष ने उन्हें क्या आश्वासन दिया है। सर से मिले, अच्छा, मतलब सब पॉजिटिव रहा। हमने अपना पूरा बात रखा कि सर ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, तो उन्होंने बराबर वहाँ के कन्वेनर प्रकाश सिंह को फ़ोन किया, फिर उनसे बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है क्या, तो उन्होंने जो था रिपोर्ट दिया। फिर संजय सिंह सर को फ़ोन हुआ, फिर उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने बोला कि सब आप जो भी आपके पास साक्ष्य है वो हमको दीजिए, इस पर जाँच होगी और आप लोग को तुरंत। हम बोले सर फिर आगे जो हमारा नुकसान हुआ उसका क्या, तो उन्होंने बोला इस पर भी हम बात करेंगे जैसे आगे हमको समय मिलता है। ये जो आज आप मिलने आए हैं, एक जैसा कि आप लोग सुबह से हैं और अभी आपसे मिल रहे हैं जी, तो इतने लंबा समय लेने की क्या वजह थी अगर? अब सर एक्चुअली हम जो 11 बजे आए थे तो सर घर पे नहीं थे, तो थोड़ा हमको लग रहा कि एक घंटा पहले आए हुए हैं, तो मीटिंग में थे तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। सुबह से कुछ नहीं, कुछ भी खाना वाना नहीं खाया हम लोगों ने, और सुबह हम लोग मैच खेलने सोनपुर गए थे, वहाँ हम लोग को खेलने नहीं दिया गया। वहाँ अपने एकेडमी के टीम उन्होंने भेजा है, दहियावा क्रिकेट एकेडमी पूरा टीम उतारा उन्होंने और हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। ये तो बात रही कि आज आप पटना आए ये समय, लेकिन आपका ये मामला तो जब से हेमंत ट्रॉफी उस समय से चला है, तो इनके संज्ञान में जब सोशल मीडिया पे आपके सारे वीडियो वायरल हुए, इसके पहले क्यों नहीं? वेरी फर्स्ट डे जो हुआ था उसका मैंने मेल कर दिया है, बोलिएगा तो मेरे पास मेल है, वह मैं आपको दिखा दूंगा। BCA प्रेसिडेंट राकेश तिवारी सर को और BCA ऑफिस में भी हमने मेल करा है, अगर आप चाहें तो मैं उसको एविडेंस के तौर पर आपको दिखा सकता हूँ। तो सिर्फ एक मौके का क्या लगता है कि अगर कुछ आपको रिटर्न कैसे आपकी बात, फिर अगली बार क्या अगर मिलने आए फिर यही दिन भर? सर ने कहा है कि अब उन्होंने की मीटिंग कराएंगे और आगे का प्रोसीजर जो होगा वो किया जाएगा, तो अब सर अब तो कर सिस्टम में है तो सर के साथ चलना पड़ेगा। कितने दिन का ये है लेके चलना? संजय सर 9 तारीख को आएंगे जी, तो अब उसी के आसपास जो भी होगा देखा जाएगा वहाँ। तो आप लोगों का क्या कहना है इस जो आज हुआ है, आज पूरे दिन आप लोग परेशान हैं? हमारे सभी यहाँ सब कोई सही प्लेयर यहाँ पे जो कि काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और जिस मकसद से हम लोग आए हैं, तो राकेश तिवारी जी ने अति हम राकेश सर ने हम लोग को जो बोला कि आके मिल सकते हैं, तो हमारे सीनियर प्लेयर दो प्लेयर गए अंदर, जो बात उत हुआ उसके अनुसार तो हमको लग रहा है जहाँ तक सब कुछ ठीक होने वाला है, और जहाँ तक भैया लोग यहाँ पे हैं तो काफ़ी हम लोग चाहेंगे कि सर का सपोर्ट रहे, और जो हम लोग जो चाह रहे हैं वो एक क्रिकेट लाइन से ही जुड़ा हुआ सब कुछ मैटर है। अच्छा, एक आप सीनियर प्लेयर हैं साथ में हैं, ठीक है, अभी तो आश्वासन मिल गया, लेकिन खिलाड़ियों के साथ ये जो शोषण का दौर है ये लंबे समय से चला आ रहा है, ऐसा कितनी दफ़ा आपको भी झेलना पड़ा? लगभग मैं सारण डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर हूँ, लगभग 4-5 सालों से ये चलता चला आ रहा है कि हमेशा खिलाड़ियों को ये आश्वासन दिया जाता है कि एक मैच आप खेल लोगे, अगर
वो प्लेयर दूसरा प्लेयर है वो अगर परफॉर्म ना करेगा तो आपको मौका दिया जाएगा। तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। सभी प्लेयर सम्मानित प्लेयर हैं, किसी प्लेयर को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो वो खेलेंगे और उनका ख़राब हुआ तो उनको हटा करके आपको खिलाया जाएगा। तो ये सब गलत है, इन सब चीज़ों को बंद किया जाए। और जहाँ तक हम लोगों की जो मुहिम चल रहा है इसको हम लोग जहाँ तक हो सकेगा हम लोग इस लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि छपरा में चुनाव हो, सारण में चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव हो। चुनाव होकर के सारण डिस्ट्रिक्ट का जहाँ तक होगा हम लोग उद्धार करने के लिए, हम लोग सारे सीनियर खिलाड़ी, सारे खिलाड़ी सारण के एक तरफ हम लोग हो चुके हैं। और जब तक हम लोग इस चीज़ को आखिरी जगह तक, लास्ट मोमेंट तक इसको हम लोग क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, ये तो रही अभी मिल गया सर, पूरा प्रकरण क्या है एक बार आप बताएं। ये पूरा जो मामला आज यहाँ तक आने की वजह क्या है? यहाँ तक आने का वजह हम लोगों का है कि हम लोगों का पहला मैच हेमन ट्रॉफी का 28 तारीख को था सोनपुर में, सिवान से हम लोगों का मैच था। हम लोग सोनपुर पहुँचे, 27 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, 27 में से 17 खिलाड़ियों का चयन हुआ था जिनको सोनपुर आना था, लेकिन किसी भी खिलाड़ियों को न कॉल किया गया किस खिलाड़ी को आना है किस खिलाड़ी को नहीं आना है, किसी को कॉल नहीं किया। तो सभी 27ों के 27 खिलाड़ी वहां पहुंच गए थे। उसके बाद जब टीम लिस्ट बनने की बात आई, टीम लिस्ट में काफ़ी मतलब जूनियर प्लेयर्स थे जो परफॉर्म नहीं किए हुए थे या जो बाहरी प्लेयर थे जो लोग ट्रायल मैच नहीं खेले थे, इवन वो लोग छपरा का लीग मैच भी शायद उन लोगों ने कोई प्लेयर थे जो नहीं खेले थे, उन लोगों को खिलाने की प्रक्रिया की जा रही थी। तो इस पर हमारे साथी खिलाड़ियों ने आवाज़ उठाया कि अगर ऐसा है तो ये गलत है, जिन्होंने खेला है जो परफॉर्मर है या जो डिजर्विंग है उन लोगों को खिलाया जाए। अच्छा, ये भी आया कि गाली वगैरह दिया गया। जी जी, तो ये गाली किन के द्वारा? ये हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब हैं संजय कुमार सर, संजय सिंह सर, उन सारण के, उनको हम लोगों ने जब कॉल किया गया, ये सुशांत से बात हो रही थी फ़ोन पर, उन्होंने सारी प्रक्रिया के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने लाउडस्पीकर पर फ़ोन था, उन्होंने उधर से गाली दिया, बस उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और बस उसके बारे में आपको विस्तार तरीके से हमारे सुशांत भाई बता सकते हैं। सुशांत जी, क्या रहा था पूरा प्रकरण, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे आप ही वो पर्चा लेकर वायरल हैं, क्या मामला था? देखिए, पर्चा लेकर मैं वायरल नहीं हूँ, एक्चुअली हम लोग बातों को पहुँचाना चाहते हैं कि मनमानी क्रिकेटर के साथ मत कीजिए, जेन्युइन जो चीज़ है वो कीजिए, आप खिलाड़ियों का हक मत मारिए। हम लोग खेलने के लिए बने, ये सब करने के लिए हम लोग नहीं है, लेकिन हम लोग को आना पड़ रहा है अपना बात रखने के लिए। एक्चुअली अब हम जितने खिलाड़ी हैं, हमने बोला कि जो डिजर्विंग है पहले आप उनको मौका दीजिए, फिर आप रोटेट करते रहेगा जितने भी आप, 27 लड़कों का कभी स्क्वाड नहीं होता एक्चुअली, 15 से 17 आप मैक्सिमम। हमको ग्राउंड पे जाने पे 27 में से किसी को भी कॉल नहीं किया कि आपको रिपोर्टिंग क्या है क्या है, सब 27 भी पहुँचे हम वहाँ। फिर हम लोगों ने कहा कि सर ऐसा कीजिए कि हम लोग जो डिजर्व करते हैं, अच्छी टीम है, सिवान की टीम अच्छी है, तो हम लोग उनके खिलाफ सब सशक्त टीम उतरेंगे, तो हमारे हिसाब से एक बार टीम का गठन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उन्होंने तुम कौन होता है, और फिर हमको गाली दिए है ना, और इनफैक्ट वो सबके लिए था। उसके बाद उन्होंने बोला तुम्हारा औकात क्या है, तुम्हारा बाप का औकात है कि तुम खेलोगे। फिर हम सब खिलाड़ियों ने डिसाइड किया कि जब तक सर माफ़ी नहीं मांगते हैं हम लोग मैच नहीं खेलेंगे। तो उन्होंने माफ़ी के जगह उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो कुछ नहीं किए हैं, और फेसबुक पे पूरा अपना वीडियो डालें। तो हम लोग ने फिर अगले दिन गए, लेकिन उन्होंने उसके बाद माफ़ी के अलावा उन्होंने दूसरा टीम गठन किया और दूसरा टीम को भेजा, विथ मैनेजर और कोच डिफरेंट, विदाउट मैनेजर एंड कोच। जी, दूसरे दिन मैं कोच मैनेजर नहीं था, और तीसरे दिन बदल ही गए वो सब लोग बदल। जी, सब बदल गए। तीन मैच में तीन कोच मैनेजर चेंज हुआ। ठीक है, रोहित बोलेंगे। रोहित जी, सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो छपरा डिस्ट्रिक्ट में इतने साल से हो रहा था, कोई भी प्लेयर आगे नहीं आ पाता था, जो भी प्लेयर आता था उसको चाहे बैन किया जाता था चाहे 2 साल के लिए कोई भी क्रिकेट में नहीं दिया। तो फिर हम लोग सोचे कि नहीं, जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस वजह से हम क्रिकेट को छोड़ना पड़ा हमको। लास्ट ईयर हम हेमन ट्रॉफी के कैप्टन भी रहे हैं, तो इसलिए मेरा कहना है कि जो सही है वो सही होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, बस सही हो, और जो गलत हो रहा है उस चीज़ को रोकने के लिए हम पूरे बिहार का तो रिक्स नहीं लेंगे, मगर अपने ज़िले का रिक्स लिए हैं कि इसको सही करके रहेंगे, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। इसको अगर ये तो बनाएंगे कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, तो क्या लगता है आगे की क्या रणनीति होगी अगर जो आश्वासन मिला अगर ये फुलफिल नहीं होता, आपकी बातों को नहीं माना जाता है? हम लोग हर जगह गए हैं,
और हर जगह कंप्लेन किए हैं, जो ऑफिशियली रूप से जो होता है वो हर काम किए हैं। बाकी दो चार दिन में अगर नहीं होगा तो हम लोग सारण डिस्ट्रिक्ट में पहले आंदोलन करेंगे। पूरे खिलाड़ी जो भी जिला के क्रिकेटर हैं वो सब लोग आएंगे, सभी खिलाड़ी लोग रहेंगे। अगर वहाँ नहीं कुछ हुआ तो फिर हम लोग पटना आएंगे, मगर हम लोग इसको चेंज करके रखेंगे। जो सही है वो चीज़ होना चाहिए। अभी आपने सर बोला कि राजनीतिक, ये राजनीतिक नहीं है सर। अगर ये देखने का नज़रिया हो, अपना अपना नज़रिया देखने का, ठीक है, अगर आप इसको एक खेल के पर्पज़ से लीजिएगा, ठीक है, स्पोर्ट पर्सन के रूप से अगर मैं बोलूँ, स्पोर्ट पर्सन, तो मैं यही बोलूँगा कि सिर्फ फैक्ट जो जायज़ है, जो जेन्युइन है, वो होना चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन जैसा कि ये तो कह रहे हैं ना कि आप लोग रहे, आप लोगों के ऊपर कार्रवाई की भी बात आई थी, जैसे जो आप लोगों ने फेसबुक पे मुहिम को चलाया, तो इसका काम है ना, अगर वो बोल रहे हैं तो वो उनका काम है, ठीक है। हम लोग तो सिर्फ अपना फैक्ट डिसीजन मांग रहे हैं ना उनसे, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन होना चाहिए, जो सच्चाई है सच्चाई आप दीजिए हमको, और जो फैक्ट हो वो फैक्ट डिसीजन लीजिए आप। मतलब है कि जो होगा हम देखेंगे, हम लोग, हाँ हम लोग, हम लोग सिर्फ क्रिकेट खेलना जानते हैं, पॉलिटिक्स करना नहीं जानते हैं। तब आपका क्या कहना है? मेरा बस यही कहना है कि सर बोलते हैं कि एक प्रोसीजर होता है खेलने का, तो उसके हिसाब से लीग कराते हैं, लीग में जो अच्छा करता है वो डिस्ट्रिक्ट खेलता है, डिस्ट्रिक्ट में जो अच्छा खेलता है उसको स्टेट ट्रायल के लिए भेजा जाता है, या जो उसका एज ग्रुप है उसको खेला जाता है, ठीक है। तो उनका स्टार्टिंग कहना था पहले ईयर में कि जो जो एज ग्रुप है उसको पहले उसको एज ग्रुप में दिया जाएगा, ठीक है। तो जब आप खुद बनाते हो लॉ तो उस लॉ को तोड़ने वाले आप ही होते हो। अगर प्लेयर अपोज करता तो उसको बैन की धमकी देते हो, आप कौन होते हो पूछने वाले? हम 3 साल से अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए परफॉर्मर, हाईएस्ट स्कोरर है अपने डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है सर। दूसरे लड़के मेरे सामने आके स्टेट खेल जा रहे हैं, रणजी ट्रॉफी जो भी एज ग्रुप है, सब बाहर के लड़के खेल जाते हैं, 3 साल से परफॉर्म करके पूछते हैं कि सर मेरा क्या होगा, तो बाबू तुम्हारा नाम भेजा गया, रिकमेंड किया गया, और जब परफॉर्मर होने के बाद मुझे पूछना पड़ता है कि मेरा क्या होगा, तो इनका होता है कि बात चल रही है, देखा जाएगा, कर रहे हैं कोशिश, लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए। अगर अच्छे प्लेयर के लड़ना पड़ रहा है तो जो खेल रहे हैं वो कैसे प्लेयर है? आप मेरा उनका, मेरे और उनका दोनों का देख लो आप परफॉर्मर, वो मेरे से बेस्ट है, तो हम अपनी आवाज़ खत्म कर लेंगे और जो भी चल रहा है हमारा सब बंद हो जाएगा। अगर आप प्रूफ कर दो कि मेरे से बेस्ट प्लेयर है तो यही चल रहा है। सर ये बताइए प्रशांत जी, आपके साथ में से कौन ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा रहा, बॉलिंग भी अच्छा रहा, लेकिन उनके होने के बावजूद भी टीम में नहीं? देखिए हम लोग जितना लोग यहाँ पे अभी अवेलेबल है सारे अच्छे प्लेयर हैं, तो इनको इग्नोर किया जा रहा है, खास करके हम बिहार खेले हुए प्लेयर हैं तो हमको भी इग्नोर किया जा रहा है। मतलब एटलीस्ट 15 में हम लोग का नाम नहीं, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती हो। इसलिए हम लोग सर के पास आए यहाँ पे, राकेश सर के पास, और अपनी जो प्रस्ताव है वो हम लोग ने रख दिया। सर ने पॉजिटिव व्यू दिया है, बताया है कि आप लोगों के साथ गलत नहीं होगा, तो हम लोग को अच्छा लगा सुन के। कोई है गार्जियन है हम लोग के, तो इनसे सपोर्ट मिल रहा है। अब देखिए हम लोग जो प्रेसिडेंट है वो अभी बिहार अंडर 25 टीम के साथ गए हुए हैं, तो 8 या 9 तारीख को आ रहे हैं, तो उनसे मिल के हम लोग बात करेंगे कि आखिर ऐसे उन्होंने क्यों किया, ऐसा उन्होंने क्यों किया। ये तो आपके ठीक है, लेकिन अभी आपको पटना डिस्ट्रिक्ट का ही मालूम होगा। जी जी, टीमें गई ग्राउंड में, वहाँ भी इसी तरह का रहा, लेकिन इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने में क्या किया, मर्ज करवा दिया, तो उससे तो जो सेलेक्टेड प्लेयर थे, तो अगर ऐसा ही कुछ होता है तो फिर क्या? बिल्कुल खेलेंगे, अगर मर्ज कराएंगे तो बिल्कुल खेलेंगे, लेकिन वो लोग तैयारी नहीं है ना खिलाड़ी खिलाने के लिए। वो लोग तो बाहर से प्लेयर बुला के खिला रहे छपरा डिस्ट्रिक्ट में। हम आपको इतना ऐसा ऐसा प्लेयर का नाम बता देंगे वहाँ पे, आप आइएगा कभी तो दिखा देंगे, जो कभी लीग भी नहीं खेलते जाके हेमंत ट्रॉफी खेल रहे हैं, ऐसा दुर्दशा हो गया। कई यहाँ से IPL जो गोरखपुर का ही लड़का आपके इसमें वैशाली से ही दिखा दिया गया, उसके बाद भी तो कोई आवाज़ नहीं उठाया। ये तो इतना तो हमको नहीं पता है उसके उतना बारे में, लेकिन हम अपने जिले के बारे में जानते हैं ज़्यादातर, तो अपने जिले के बारे में ज़्यादा बोलना पसंद करेंगे भैया। सर एक लास्ट ईयर परफॉर्मर होने के बाद टीम में जगह नहीं है। अच्छा रोशन कुमार, रोशन जी आज के इस पे आपका क्या कहना है? यहाँ कि जैसे हम लोग का प्रोसेस होता है डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, जो लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट था मैं उसमें हाईएस्ट रन गेटर था, और जो यहाँ पर फर्स्ट प्लेइंग 11 बना था उसमें मेरा नाम नहीं था। वो लोग बोल रहा था 8 ड्रॉप हो जाओ आपको 3 मैच चांस देंगे, लेकिन मुझे है कि वो 2 मैचों का टीम बना था, सेकेंड मैच भी मुझे नहीं मिलता, और बाकी का आगे का जो भी होता उस चीज़ के बारे में अभी भी कुछ नहीं था। अभी जब हम लोग सेकेंड टीम बना, जो सेकेंड स्क्वाड बना है वो पूरा चेंज था, पूरा एक एकेडमी के साथ का था, एक नहीं क्रिकेट एकेडमी है उसके पूरे लड़के थे, पूरे स्क्वाड में से 16 में से 12-13 लड़के दहियावा के थे, एक ही एकेडमी के थे बस, उसमें संजय सर का भी कुछ तो है। आज जब आप लोग गए ग्राउंड में तो वहाँ क्या हुआ? आज जब आप लोग गए मैच खेलने के लिए तो आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं हुआ, दोबारा स्क्वाड चेंज था, मैनेजर चेंज था और कोच चेंज था, पूरा बदला हुआ था, और मैनेजर कोच कुछ नहीं है। आप लिस्ट देखेंगे प्लेइंग जो लिस्ट है उसमें मैनेजर का साइन नहीं है, कोच का साइन नहीं है, बस नॉर्मली मैच हुआ है। तो आप एकदम तैयार हैं? आज तो आश्वासन मिला है, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप लड़ने को तैयार हैं अपने? हाँ हम लोग लास्ट टाइम तक लड़ेंगे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ।
मैं अभी प्रूफ भी रखा हूं कि मैनेजर साहब जो बोले हैं कि दहियावा के खिलाड़ी जो हैं उनको ही पहले खिलाया जाएगा, उसके बाद ही दूसरे क्लब को खिलाया जाएगा। तो यहाँ सीधे तौर पे है कि क्लब को खिलाया जा रहा है जो उनका क्लब है, बाकी क्योंकि ज़िला तो बहुत बड़ा होता है, एक क्लब से तो ज़िला नहीं बना है, तो इसीलिए मेरा बस यही कहना है कि जो सही चीज़ है उसको किया जाए। थैंक यू। आपका क्या कहना है यहाँ जो हो रहा है, आज सारे प्लेयर्स को अपना ग्राउंड छोड़ के, अपना प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ आकर सुबह 11 बजे से खड़े हैं, यहाँ तक कि पानी का बोल के लिए भी रिक्वेस्ट करना पड़ा, इस पे इस तरह से आज प्लेयर्स क्या है? आज सभी अच्छे प्लेयर हैं, इस लोग के लिए हम सपोर्ट करेंगे और हमेशा करेंगे। ये आंदोलन हमेशा चालू रहेगा जब तक ये लोग साफ सुथरा काम नहीं करेगा। ये आंदोलन अभी जिला से है और हम लोग इसको राज्य स्तर से बहुत जल्द इसको चालू करेंगे।